अरे वो देखो मुसीबत, अब हम क्या करें? फिर से अंदर जाएं? नहीं, चलो। गुही, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? मैं तुम्हारा फोन क्यों उठाऊं? तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने सॉरी कह दिया है ना। चलो ठीक है, मैं फिर से सॉरी कहता हूँ। सॉरी बाबा, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। चले जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। तुम खुद को समझती क्या हो? लगता है तुम्हें कोई और मिल गया है, इसलिए तुम ऐसा कर रही हो, वरना तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करती? बताओ। तुमने ठीक कहा, तुम्हारी पीठ पीछे किसी और से मिलती होगी। जुंगू तुम्हारे बॉयफ्रेंड है और तुम जीहू से फ्लर्ट कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? कितनी भोली दिखती है ना। बस बहुत हुआ, अब चुप हो जाओ। जाओ यहाँ से और अपनी गंदी शक्ल पर ढेर सारा मेकअप लगाओ, जाओ। मैंने बिल्कुल सही कहा, इसमें क्या गलत है? तुमने सब कुछ गलत कहा। गुही जीहू के पीछे नहीं, जीहू खुद गुही के पीछे है, समझी तुम? क्या बकवास है, ये तुम क्या कह रही हो? जीहू उसे भाव भी नहीं देता है। बस बहुत हो गया, चुप हो जाओ तुम सब। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। हाँ, मैं जीहू को पसंद करती हूँ। शायद उसे मुझ में इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग कुछ भी बोलते रहोगे। अगर वो मुझे पसंद नहीं करता है तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें पता है, तुम सच में पागल हो, लेकिन तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। ये पल मुझे जिंदगी भर याद रहेगा, सब देखते रह गए और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। ओ ना, नहीं, ये क्या हो गया? पता नहीं इसे और कितना वक्त लगेगा। मैंने इसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन जो होना है वो हो ही जाता है। तुम्हारी बहन घर पे नहीं है ना? हाँ। मैं देखूं यहाँ क्या है? हे, ध्यान से, वो उसका कमरा है। हे, उसे देखने दो ना। मुझे तुम जैसे बंदरों को अपनी बहन का कमरा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, रहने दो। ये अपनी बहन की हिफाजत कर रहा है, कुछ भी कर लो वो एक दिन हाथ से निकल ही जाएगी। तुम अपने काम से काम रखो, मैं अपनी बहन को अच्छी तरह से संभाल लूंगा। ठीक है भाई। अरे बाप रे, इतने सारे बच्चे कहां से आ रहे हैं? खैर छोड़ो। क्या अंदर सूखा तौलिया है?
हाँ है। हेलो, क्या ये हुकु जून का फोन है? हाँ, लेकिन इस वक्त वो नहाने गया है, वो अभी बिजी है। आप कौन बात कर रही हैं? मैं वो हूँ जो उससे पहले नहाने गई थी। तुम कहाँ हो? मैं बेड पर बैठी हूँ, मैं उसे फोन करने के लिए कह दूंगी। नहीं, उसे कहना मैं आईंदा उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। अब आएगा मजा, गए तुम काम से। ओहो, मैं अपनी बुक कैसे भूल गई, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? ओह, ये क्या हो रहा है? क्या ये गायुन है? ये क्या कर रहे हैं अंदर? ये तो सुनो, ये गाना अच्छा है ना? बहुत अच्छा था। पता है, ये मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा गाता है ये। तुम बताओ, तुम्हें पसंद आया ऐसा गाना? ब्राइट कलर पसंद है? हाँ, वो बस जरा से। रुक जाओ, इस वक्त तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो मैं क्लास में अपनी बुक भूल गई थी। चलो जल्दी जाओ, अब यहाँ लाइट्स बंद होने वाली हैं। अच्छा। वो देखो कॉकरोच। क्या? कहाँ है कॉकरोच? मुझे कॉकरोच से बहुत डर लगता है, कोई मुझे बचाओ। मैं क्या करूँ, मुझे यहाँ से जाना होगा। आप मुझे बाहर तक छोड़ देंगे? ठीक है, चलो। थैंक यू। वो कॉकरोच बहुत बड़ा था, पता नहीं कहाँ छुप गया। बहुत बड़ा था वो, सच में। गुही, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। क्या है, नॉक करके नहीं आ सकते हो? तुम इतनी चौंकी हुई, क्या तुम अश्लील वीडियो देख रही हो? मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ, क्या है? मैं अपनी प्यारी बहन के लिए आइसक्रीम लाया हूँ, ये देखो। क्या बात, क्या है? ये वही लड़की है ना, ये तुम्हारे बहुत करीब थी ना, कुछ गायून। इतनी खूबसूरत लड़कियों के साथ फोटो मत खींचा करो, तुम एकदम चुड़ैल लगती हो। चुप रहो। क्या अब भी ये तुम्हारी फ्रेंड है? नहीं, अब हम फ्रेंड्स नहीं रहे। पता नहीं उसे क्या हो गया है। खैर छोड़ो, तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, लेकिन मुझे इसमें से एक बाइट दो ना। मैंने तुम्हें पूरी आइसक्रीम दे दी और तुम एक बाइट के लिए इतना सोच रही हो? ठीक है, सिर्फ एक बाइट, ठीक है? सिर्फ एक बाइट लेना। ये क्या किया तुमने? तुमने तो आधी से ज्यादा आइसक्रीम खा ली। मैंने कहा था एक ही बाइट लेना, पर तुमने तो आधी से ज्यादा खा ली। तुम ही खाओ इसे। जितना है उतना तो खा लो। ये हमेशा मेरे साथ ऐसा करता है, ये ऐसा क्यों है? आधी से ज्यादा आइसक्रीम खा गया, मैं क्या करूं? बहुत गंदा है ये। हाँ तो बच्चों, हमने आजकल स्कूल की सिक्योरिटी थोड़ी बढ़ा दी है, और जिसकी वजह से कल रात जो कपल खाली क्लास में बैठा था, हमने उन्हें पकड़ लिया है। कहीं वो ये तो नहीं? आप लोगों की हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कॉलेज के सेकेंड ईयर के बच्चे जिन्हें हमने पकड़ा है, उन्हें तगड़ा जुर्माना भरना पड़ेगा, ताकि मतलब कोई आइंदा ऐसा ना कर सके।
डेटिंग की खबर देने वाले को रिवॉर्ड्स पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है मैम। हाँ, अगर आप अपना नुकसान नहीं चाहते हैं तो डेटिंग का सिलसिला बंद करना होगा। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है? आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? ये सारी चीजें यहीं पे बंद होनी चाहिए, ये अब और बिल्कुल भी नहीं चलेगा। समझ गए बच्चों? हे यहाँ आओ। हाय यूरा। हाय। अगर तुम हमारे साथ बैठना चाहती हो तो बैठ जाओ। क्या सच में? हाँ बैठो। हम लोग यूरोप में होने वाले शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम्हें ज्वाइन कर सकती हो। हाँ, मुझे सच में इसमें इंटरेस्ट है। वैसे कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं? शायद 20-25 होंगे। लेकिन अब जगह फुल हो गई है। हाँ लगता तो है। लेकिन अगर तुम चाहती हो तो हम तुम्हारे लिए जगह बना लेंगे। थैंक यू सो मच। कायून, आजकल सीनियर्स के ज्यादा ही करीब जा रही है। मुझे तो लगता है अभी हाइवा की ऑफिशियल मेंबर बन गई है। कितनी लकी है ये। मुझे जलन हो रही है। तुम उन्हें क्यों घूर रही हो? क्या तुम्हें भी यूरोप की शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग में जाना है? लेकिन वो तुम्हें नहीं लेंगे। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिले तो फिर मुझे कोई नौकरी करनी पड़ेगी। तुम्हारी मॉम तो बहुत स्मार्ट है। वो अपने बेटे को सपोर्ट करती है और अपनी बेटी को पढ़ाई की बजाय काम पर लगाना चाहती है। अपना मुंह बंद रखो, ये लो। अरे ओहो, जरा देखो तो क्या बात है। ये मुझे क्या हो गया है? भूल जाओ सब, निकाल दो अपने दिमाग से। तुम्हें पानी चाहिए, खुद जाके ले लो ना, मुझे क्यों परेशान करते हो? क्या कर रही हो? बस सोने वाली थी। क्या तुम एकेडमी में हो? हाँ। क्या तुमने खाना खाया? भूख तो नहीं लगी? हाँ। इमोजीज यूज नहीं करते क्या? नहीं, बहुत बोरिंग होते हैं। अच्छा, तब तो तुम्हें टाइप करने में भी सुस्ती आती होगी। वाह, कमाल है। सबके सामने तो मेरे लिए छाता लेकर आया था और अब सिर्फ हाँ या ना में रिप्लाई कर रहा है। हाँ ना, ठीक है, बस यही बोल रहा है। अब मैं क्या करूं? मूड ऑफ कर दिया। पता है, तुम एक ट्रांसपोर्टेशन कार्ड हो। मतलब? हर दिन तुम मेरे दिल को टैग करती रहती हो। अगली बार हम लोग कैच बॉल खेलेंगे। कैच बॉल मतलब? मुझे नहीं आता। तो फिर तुमने एक ही बार में मेरा दिल कैच कैसे कर लिया? इतनी प्यारी बातें कैसे करता है? कितना प्यारा है ये। ओ, मैं तो पागल हो जाऊंगी।
ये बहुत ही महंगा बैग है, इसका ध्यान रखना। अगर ये इतना महंगा है तो अपने पास ही क्यों नहीं रखती। ये देखो, ये देखो, क्या हुआ? क्या बात कर रहे हो? यही है ना, हमारे स्कूल में नहीं आई है। क्या बात कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? सच में हमारे स्कूल में नहीं आई है? मजाक कर रहे हो क्या? सच में? अच्छा, क्या बात है, मुझे तो मालूम ही नहीं था। हाँ, हाँ तुम कल गई थी? अरे बहुत मजा आया वहां पे। हाय, कैसी हो तुम? हे यहाँ यहाँ, जल्दी आओ जल्दी आओ, जरा देखो तुम, ये देखो, ये क्या है? दिखाई नहीं देता क्या? ये बॉडी का फोटो है, जानती हो ये कौन है? ये गायून है। आजकल तुम्हारे डैड छा गए हैं, हियरिंग के बाद हर कोई उनके बारे में बात कर रहा है। हाँ, लगता तो है। तुमने बताया नहीं कि तुम सिविल के प्रतिनिधि बनके इंटरनेशनल साइंस अफेयर अटेंड करने जा रहे हो? हाँ, मैंने मेरी प्रेजेंटेशन स्पीच भी तैयार कर ली है। देश भर के VIPs आ रहे हैं वहाँ पे, क्या तुम सुपर फेमस बनने के लिए रेडी हो? अभी इतनी भी आगे मत बढ़ो। यूरा, मैंने मेरी मॉम से ट्रेनिंग के बारे में बात की, हमारे पास फ्रेशमैन के लिए कोई जगह नहीं है। मेरी ड्रिंक खत्म हो गई, मैं जा रही हूँ। मुझे क्या हो रहा है, मैं इतनी डिस्टर्ब क्यों हूँ? ये तुम हो ना? ठीक से देखो, तुम ही हो ना? मेरे पास शब्द नहीं है, बोलती क्यों नहीं? तुमने पूरे कपड़े क्यों नहीं उतारे? तुम हमारा क्लब ज्वाइन करने के लायक ही नहीं हो। मैं तो इसका मासूम चेहरा देखकर धोखा खा गई। और तुम्हें क्या लगता है, हाँ हम सबके सब बेवकूफ हैं क्या? और इसकी हिम्मत कैसे हुई हम सबसे झूठ बोलने की? इसका मासूम चेहरा देखकर तो कोई भी धोखा खा जाएगा। क्या हुआ तुम्हें, बोलती बंद हो गई? ओ, तुम्हारे तो कपड़े खराब हो गए। अब उतार दो, हम भी तो देखें तुमने अंदर क्या पहना है। चलो दिखा भी दो, शर्म आ रही है। ये मैं नहीं हूँ, समझी तुम? ये मैं नहीं हूं। क्या फोटो में गायू नहीं है? फिर तो जरूर किसी ने उसकी फोटो खींची होगी। उसकी फिक्र मत करो, वो अपना बैग खुद ले सकती है। इसे ऐसे यहीं रखकर जाना ठीक नहीं। जब उसके दोस्तों ने बैग नहीं लिया तो तुम क्यों ले रही हो? तुम जानती हो ना वो कहाँ रहती है? हाँ, मैं बहुत बार वहां जा चुकी हूँ। मैं तुम्हें नई क्लासमेट से मिलवाना चाहूंगी। मैं गायून हूँ, गंग नाम से, आपसे मिलकर अच्छा लगा। गुई के बगल में खाली जगह है, जाके वहां बैठ जाओ। ठीक है, क्लास शुरू करें। तो पिछली बार हम क्या कर रहे थे? तुम इसमें से देख लो। थैंक्स। अरे वाह, ये सब तो बहुत ही अच्छा है, ये सब गैंगनम से लाई हो क्या? मेरी डैड स्टेट्स में काम करते हैं, ये उन्होंने भेजा है। हाँ, वैसे मुझे लगा ही ये चीजें स्टेट्स की ही होंगी। तुम्हारे जूते भी बहुत अच्छे हैं।
ये भी डैड ने भेजा है। तुम्हारे डैड को स्टाइल की बड़ी जानकारी है। ये लो, तुम मेरे कपड़े पहन लो, ये साफ है। नहीं, तुम्हें भी तो इसकी जरूरत होगी। एक्चुअली हमारे पीटी टीचर काफी स्ट्रिक्ट हैं, पहले ही दिन तुम्हें डांट पड़ जाएगी। तुम ये पहन लो। थैंक्स। अरे वाह, ये क्या कोई नया फैशन है? हाँ, तो फिर तुम्हारी मॉम ने क्या पहना होगा? मैंने आप लोगों से कितनी बार कहा है कि मेरी क्लास में सिर्फ पीटी यूनिफॉर्म पहनकर ही आना है, तुम्हें समझ में नहीं आता? चलो घूम जाओ, अब जल्दी करो, ग्राउंड के 10 चक्कर लगाओ। सर, गोही ने अपना यूनिफॉर्म मुझे दे दिया, मैं स्कूल में नहीं हूं ना इसलिए। ओ अच्छा, मतलब सजा तुम्हें देनी चाहिए। तुम्हें क्या लगा मैं ऐसा कहूंगा? हाँ चलो, अब तुम भी घूम जाओ, सुना नहीं तुमने? अब तुम दोनों को सजा भुगतनी पड़ेगी, चलो शुरू हो जाओ। ये आई का क्यूबिक रूट है। अच्छा। इसको इस तरह से ऐसे जोड़ना और ऐसे करना। चीयर्स। अपनी बेटी को यहाँ छोड़ के वहाँ ऐश कर रहे हो? थोड़े से पैसे देके तुम मेरा मुंह बंद करना चाहते हो? हाँ, जरा डिवोर्स की पेपर्स ध्यान से देखो, समझे? घटिया इंसान कहीं के। मॉम, शराब मत पीजिए। तुम जाकर पढ़ाई करो। मेरे डिवोर्स की वजह से तुम्हें शर्मिंदा ना होना पड़े, इसलिए मैंने तुम्हें दूसरे स्कूल में डाला। और अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो मैं अपनी जान दे दूंगी, ये बात समझ लो। तुम ऐसे ही शराब पीती रहो, मुझे तुम्हारा शराब पीना पसंद नहीं। मुझे पढ़ाई के लिए बुलाया था और दरवाजा खुला था। गायुन, मैम ने सीट्स चेंज की है क्या? नहीं, गायुन ने कहा कि उसे यहाँ से ठीक से दिखाई नहीं देता है, इसलिए उसने अपनी जगह बदल ली है। अच्छा, इसकी खुशबू अच्छी है। मुझे जरा। हाँ, लगता तो है। अच्छी है। गायुन, तुम मेरी नोटबुक लाई हो जो मैंने तुम्हें कल दी थी? मैं भूल गई। हाँ ला, मुझे दिखा। उसके बिना तो मुझे असाइनमेंट में 0 मार्क्स मिलेंगे। ये यूनिक है, इसकी खुशबू थोड़ी अलग है। ये तो मेरी नोटबुक है जो गायुन ने मुझसे ली थी, ये यहाँ कैसे आई? तुम ठीक तो हो? सॉरी, तुम ठीक हो ना? तुम
वही से टकराई ना। तुमने अचानक मुझे धक्का क्यों मारा? मैंने तुम्हें धक्का नहीं मारा। इसके नोट्स नहीं दिए इसलिए ये बदला ले रही है। मैंने तुम्हारे नोट्स नहीं फाड़े गुही, तुम्हें क्या हो गया है? तुम ठीक हो ना? चलो तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलते हैं। मेरा हाथ पकड़ो। समय के तुम्हारी वजह से उसे चोट लगी है। ये लो, रख तो यहाँ। ये अच्छा है ना? मुझे तुमसे बात करनी है। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है, तुम अचानक मुझसे ऐसे बर्ताव क्यों करने लगी हो? तो क्या, तुमने अचानक से अपनी सीट भी बदल ली और तुम मुझसे बात भी नहीं करती। इसमें क्या बड़ी बात हो गई? जाओ सबको जाके कह दो कि तुम्हारे साथ गलत हुआ। कहो उनसे मैं बहुत बड़ी झूठी हूँ, लेकिन कोई तुम पर भरोसा नहीं करेगा। मैं यहाँ किसी वजह से आई हूँ और तुमने सब देख लिया है। मुझे वो अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा किया। अगर रिवेंज नोट वापस आएगा तो तुम्हारा नाम बहुत बार लिखना होगा। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मुझे लगता है तुम्हें लोगों के काम में टांग अड़ाना पसंद है। मुझे लगा था कि तुम मुझे थैंक्स कहोगी। तुमने कहा था ये बहुत महंगा है। या तुम देखने आई हो मैं कैसे रो रही हूँ? तुम हमेशा गलत वक्त पर आती हो। आखिरकार तुम खुद को समझती क्या हो? हाँ, मैं तुम्हारा महंगा बैग लेके यहाँ देखने आई थी कि तुम रो रही हो या नहीं। मुझे इसे चोरी होने के लिए छोड़ देना चाहिए था, यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। देखो, ये जिसने भी अपलोड किया वो बहुत बुरा इंसान है। वो लड़का वैसा नहीं है। वो मैं नहीं हूं, तुम जानती ही क्या हो। तुम जानती नहीं हो। नहीं आ रहा किसका नाम लिखूं। दिमाग ही काम नहीं कर रहा। वैसे मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूं? अच्छा खेल रहे हैं। किंग जीहू और फ्लावर गाय, यहाँ तो सब कितने हैंडसम हैं। ये
स्टार एथलेटिक चैंपियनशिप है और कैंगमैन हैंडसम है। लगता है इसकी आंखें एक ही जगह पर चिपक गई हैं। ये तो वही जूते हैं। क्या वो जूते जो उसने पहने हुए हैं? ओह, वो तो लिमिटेड एडिशन वाले जूते हैं। तुम जैसी अनफैशनेबल लड़की को इसके बारे में नहीं पता होगा। जीडी ने जो जूते पहने हैं वो 50,000 के हैं। 50,000? उन जूतों की कीमत 50,000 है? ओह, इतने महंगे जूते भी होते हैं क्या? वो लड़का जरूर अमीर घर का होगा। इसका मतलब इस तरह के जूते तो ज्यादा लोग नहीं पहनते होंगे, है ना? हमारे स्कूल में तो सिर्फ यही ये जूते पहनता है। क्यों, तुम्हें वो चाहिए क्या? अगर चाहिए तो पूरा महीना काम करना होगा। पागल हो गई हो क्या? मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ। मुझे यकीन है कि ये वही लड़का है, ये वही है। क्या सब लोग सुनो, मिस्टर किम शादी कर रहे हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं?